हुंकाहम चिबाई गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इतना दिन हो चुका है और आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरे तबीयत के बारे में फ़ोन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तबीयत पहले से बहुत कमज़ोरी है, मेरा वज़न भी बहुत घटा है, वेट लॉस हुआ है। तकलीफ तो है लेकिन मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, मातृप्रसन्न सुंदरी का प्यार आशीर्वाद, जो मेरे लिए प्रार्थना चर्चेज में हो रहे हैं, दुआ मस्जिद में हो रहे हैं और जो पूजा मंदिरों में हो रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने मनस्ट्री में भी मेरे खुशहाली के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है, तो अब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आपको आज सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग दो तीन चीज़ कहना चाहता था। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज़ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य, जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा ख़त्म नहीं होगा, टिपरासा का जो दिल का आवाज़ है, जो थानसा है, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा। और जब तक टिपरासा का थानसा है, उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे ख़त्म करोगे तो टिपरासा का दिल टूटेगा, टिपरासा का थानसा टूटेगा, और अगर टिपरासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य टिपरासा का भविष्य से ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई CPM, कांग्रेस, BJP, मोथा, IPFT का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज़्यादा नौकरी ले, कौन ज़्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे, जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर टिपरासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैन्युपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हाँ में हाँ बताए मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जब CBSE का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरॉक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज़ नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक टिपरासा को दिखाना है जो टिपरासा के बारे बात नहीं करेगा लेकिन बोलेगा कि मैं टिपरासा हूँ। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलोक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये, उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला,
आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने खुद बोला, सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन ऋषिकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलोय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवार जमातिया था, इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपया दिया मुझे बीजेपी के संग इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में आया हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए एमपी मंत्री बन के क्या करूंगा, अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता 50 करोड़ आया, कोई बोलता 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं कि गरीब से गरीब टिपरासा लोग ने अपने घर से मुझे 500 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया निकाल कर डोनेट किया? कितना लोग जानते हैं कि आज भी मुझे मार्केट में 1,90,00,000 रुपये का कर्जा निकालना है, क्योंकि आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि पैसा दो। मैं खुद के बलबूते में मैंने ये सब किया। इतना करने के बाद भी बीमार हूं, ये बात सुनना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक लीडर ने मुझे फोन किया, बोला कि महाराजा टिपरा लैंड का आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना घर में चूल्हा भी जलाना है, हमको बीजेपी जाना पड़ेगा। मैं दिल से बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पैसे के लिए, घर चलाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप जाओ, मैं कोई आपत्ति नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मेरा बच्चा पियोन का नौकरी कर रहा है और जो मेरा पड़ोसी का बच्चा है जो बंगाली है वहां में वो ऑफिसर है और मेरा बेटा उसको सलाम करता दिन में 5 बार। आज आप हल्के हो गए, आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, आपका तो जिंदगी गया है, आपका नेक्स्ट जनरेशन को क्या सफर मिलेगा ये कितने लोग समझते हैं? पॉलिटिक्स सच में गंदा है, मुझे लगता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स इतना गंदा है, लेकिन है। लेकिन मैं पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स करना चाहता हूं, अपना जो गरीब टिपरासा है गांव में उनके साथ नहीं करना चाहता। ईडीसी में अभी भी पैसा नहीं आता है, लोग मुझे फोन करते हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी का बच्चा को ट्यूमर हो गया, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए, कोई फोन करके बोलता है कि स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। एडीसी के पास पैसा नहीं, मैं अपने पॉकेट से करता हूं, कब तक करूंगा? क्या एडीसी को वोटिंग से डेमोक्रेटिकली त्रिपुरा के जनता ने नहीं चुना? चुना ना, तो उनके हाथ में पावर आना चाहिए कि नहीं? नहीं आता, क्योंकि अब ये बात
तय हो गया है कि जब मैं ऐसा करके जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी मुझे भीख मिलेगा। अगर मैं अधिकार के लिए मांगने जाऊंगा तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं। आपका बुभागरा ने जिंदगी में मां बाप ने बहुत चीज सिखाया, मुझे मां बाप ने बहुत चीज सिखाया, महारानी विभू देवी ने, महाराजा कैरेट विक्रम किशोर ने बहुत चीज सिखाया, लेकिन भीख मांगना नहीं सिखाया। मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। और भीख तो मैं उससे नहीं मांगूंगा क्योंकि ये जगह का असली मालिक तिपरासा है, और जो आज हमें भीख में कुछ दे रहा है वही थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से आया था। दिल्ली के लीडरशिप से मेरा बहुत बात हुआ, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अमित भाई शाह हो, सीताराम येचुरी हो, मुझे तो लगता है सब ठीक है, सब समझते भी हैं। लेकिन जो अगरतला में लीडरशिप है, आप के लिए देख लीजिए, जनजाति मोर्चा में एक लीडर नहीं है जो कुछ बोल सकता है। जीएमपी में जितेंद्र चौधरी है, सब लोग बोलते कि मैंने अलायंस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलायंस सीपीएम का संघ किया, जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देखे, नहीं, जितेंद्र बाबू भी जानते हैं। मैंने जितेंद्र बाबू को के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि असेंबली में 20 नहीं 21 तिपरासा एमएलएस हो। इनफैक्ट मैंने जितेंद्र बाबू को और एक चीज कहा था, आपको मैंने कहा था कि आप राधाचरण को जनरल एरिया से लड़ाइए, जहां पे तिपरासा का पॉपुलेशन ज्यादा है, हम वहां में भी बैक कर देंगे, हम आपकी पार्टी को बैकिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके एमएलए जो हमारे जाति से हम उनको बैक करेंगे। तो सबने कहा क्यों, तो मैंने कहा शिवसेना तो एनडीए में था जब प्रतिभा भाटिल कांग्रेस का राष्ट्रपति का उसका जब नाम आया, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा पार्टी का ऐसी के तैसी, प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रन है, मैं मराठी मानुस हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। किसी ने तो उसको नहीं बोला कि ये अलायंस कर रहा है, ये कॉम्यूनल है। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया एज प्रेसिडेंट, ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, एकदम नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला कि प्रणब बाबू अमर बांगाले मानुष, आमी उनार समर्थन करबो, आमी जाने ना कि उनी कांग्रेस आछे ना कि आलादा दल, आमार समर्थन उनार संगे थाकबे। और ममता बनर्जी टीएमसी ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया। किसी ने कहा कि वो बंगाली बंगाली पॉलिटिक्स कर रहा था, नहीं, वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने गर्व के लिए बात कर रहा था। तो मैंने यही चीज जितेंद्र बाबू के साथ किया। आज मैंने देखा है कि मेरे ऊपर भी वहीं से अटैक आता है। मैं क्या सोच के त्रिपुरा में अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूं और लोग क्या सोचते हैं, ये कल का बात है। बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ, वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्योत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्योत बुलाया जाए, भुभागरा ना बुलाया जाए, प्रद्योत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है, आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता।
और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे माँ को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं बुबागरा प्रद्योत टिपरासा के दिल के अंदर है, और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे? आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माँ माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजयंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया, उजयंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है, अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया, नील महल ले लिया, आज CBSE एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिखते होंगे। थोड़ा सीखना चाहिए आपको। एक व्यक्ति को आप पुश करते 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 ऐसा जगह में पहुंच जाओगे जब वो और पीछे जा नहीं सकेगा, तब वो फाइट बैक करेगा। भाषा, भाषा तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। 50 साल पहले, 52 years ago, जब पाकिस्तान ने, ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा कंपलसरी बना दिया था, इम्पोज करने की कोशिश की थी, तो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली भाई ब्रदर सिस्टर्स थे उन्होंने भाषा आंदोलन शुरू किया, और उसके लिए पाकिस्तान दो टुकड़ा हुआ, एक बांग्लादेश हो गया भाषा के नाम में। आज आपके ऊपर वो अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में पाकिस्तान से, आज वही अत्याचार हमारे ऊपर भी थोपा जा रहा है, ये क्या सही बात है? अगर कोकबोरक में अनाउंसमेंट हो गया एयरपोर्ट में तो किसी का कुछ नुकसान होता है? रेलवे स्टेशन में तो हो रहा है। तो ये सब बात है, कोई हटाट से नहीं उठता। इंटरव्यू लेटर आएगा, बात होगा। मैंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि मेरे टीम जाके मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ताली दो हाथ से बजता है। और अब मुझे जो एटीट्यूड लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड हमारे तरफ ठीक है। अगर ठीक होता तो मैं जो कल मैंने बात सुना है वो सुनाई नहीं दिया पड़ता। गलती हुई है, मुझसे भी हुई है, बीजेपी से भी हुई है, CPM से भी हुई है, कांग्रेस से भी हुई है, मैं सबसे बात करूंगा। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जहां मैं टिपरा मोथा का चांस नहीं है जीतने का, टिपरा मोथा को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए।
और आप भी समझ जाइए, जैसे बागमा, शांतिर बाजार, छामानू, कृष्णपुर, जहां में आपका कोई चांस नहीं था जीतने का, आप भी वहां में कैंडिडेट अब आगे में मत दीजिए। कॉन्टेस्ट को 1:1 कीजिए। लोकसभा भी सामने है, ऑपोजिशन को एक दूसरे से झगड़ कर कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन को पर्सनल हेट्रेड को छोड़कर लार्जर इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। मैं आप सबसे मिलूंगा। आज मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, रीच आउट करूं। बहुत लोग बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको रेगा मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिसको रेगा चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको टिकट चाहिए, आप लोग जाइए। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। जाइए, रेगा लीजिए, नौकरी लीजिए, खुश रहिए अपने परिवार में, लेकिन आपके दिल के अंदर ना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और जो गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बोलता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो तुमको रेगा नहीं मिलेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो दलाल है। पार्टी के नाम में नौकरी किसी को दिलवाना, वो दलाली है। मोदी जी, आप तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताइए कि जिन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 39% वोट मिला है, 61% ऑफ त्रिपुरा ने बीजेपी को वोट नहीं किया, तो क्या आप वो 61% को काट के अलग करके त्रिपुरा चलाना चाहते हैं? ये असंभव है, ये असंभव है। फिर से गौर कीजिए और अपने महारथियों को जो अगरतला में बैठकर कारोबार और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनको बोलिए कि दुश्मनी छोटे से छोटे लोग से भी भारी पड़ता है। हम यहां में किसी से झगड़ने नहीं आए हैं। हमारा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डिमांड कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं, डॉक्टर ने बहुत चीज किया है कि मत करो, वो नहीं करो, आई एम वेरी टायर्ड, लेकिन जब मेरा आखिरी सांस ना जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो वो आखिरी सांस भी हमारा त्रिपुरा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा, फॉर ग्रेटर त्रिपुरा। और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बुबागरा, बुबागरा आई लव यू बुबागरा आई क्लब थम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, पिछले 4 महीने में हर मीडिया जो अगरतला में बैठा है, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मीडिया, ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा, आप लोग ने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपका सुरक्षा करूं, मैं अस्पताल के पलंग में बीमार कष्ट में, मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है, आप लोग एक बार भी, आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा, हम प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसमें हमारा कमजोरी है। आप चाहते हैं कि मैं फोन करूं और आपको बोलो प्रोटेस्ट करो, तभी आप प्रोटेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हूं, मेरा परिवार आप एक हैं, तो कभी कभी आपके पास ये पूरा अधिकार होता है कि मुझे भी, मेरे खराब समय भी, एंड आई रियली फॉट फॉर यू, यू नो आई हैव फॉट अ लॉट फॉर यू, आई हैव गिवन अप एवरीथिंग। समटाइम्स इट इज नाइस इफ यू कैन ऑल्सो शो द सेम अमाउंट ऑफ लव दैट आई हैव गिवन यू, रेसिप्रोकेटेड टू मी। छोड़ दीजिए,
आज दिल से मैंने बात किया, टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर बीमार है ना वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा, हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है, और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे, एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखे कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है, क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दाव पेच में लगा दूंगा। हमारे लोग को, हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना, टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी सीपीएम कांग्रेस जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में, और दो दो दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए टीपरासा एरियाज में एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है, ये सब बात आप लोग जानते हैं, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, यू बीन सो नाइस टू मी, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। To all my mothers and sisters, to all my warriors, to everyone, and I even love those who don't like me, जो मेरे फेसबुक में आके बोलता है इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया। ये सवाल आप जाके, जिस दिन आ गया तो आप क्या करेंगे? आप ट्राइबल का मजाक उड़ाते हैं, आपको लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप ट्राइबल का मजाक उड़ा रहे हैं। और आपको भी जवाब मिलेगा, क्योंकि आप लोग ने हमारे खराब समय में, हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया, आपने नून मसला है, जख्म तो है लेकिन उस जख्म का जवाब, उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे। उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है वो हम ट्विटर में नहीं देंगे, उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक टिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में, उसी के हां में, उसी के राज्य में आपको क्या मिला। बेलाई बेलाई नुहाम भाई, गॉड ब्लेस यू, एंड वी विल विन। हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे, और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा। नहीं जीता तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश के हित में होगा। तिपरा मथा आयुक लोकथोंग, तिपरासा दोफा आयुक लोकथोंग, तिपरासा आइक लोकथोंग, ग्रेटर तिपरालैंड आइक लोकथोंग, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन आइक लोकथोंग।